शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से वरुण जी, ये चुप क्यों नहीं हो रही? गुड़िया, कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। नहीं पी रही, क्या करें? कीर्ति बेटा, क्या हुआ? गुड़िया कब से रो रही है, क्या हो गया? पता नहीं मम्मी, दवाई भी दी है पर उसका बुखार उतर ही नहीं रहा है। दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं पर पी नहीं रही, पता नहीं इसे क्या हो गया। फिर ऐसे ही बुखार रहा तो कल नामकरण की रस्म कैसे होगी? माँ, मम्मी और आप साथ में घर वापस आने वाले थे ना मंदिर से? हाँ, लेकिन वो तो वहीं से घर चली गई, कहा कि कल सक्षम जी और बबलू के साथ ही लौटेंगी। हम अपनी गुड़िया को दीदू के पास नहीं लेके जा रहे हैं, हमारी बच्ची है, उसे हम संभालेंगे बस। अच्छा, हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी ना हींग चटा देते हैं इनको। वो क्या है ना, कभी कभी बच्चे को पेट में दर्द होता है तो ऐसे रोता है। बस बहुत हो गई। वरुण जी, श्रद्धा, डॉक्टर की दीवी दवाई दी पर इसका बुखार उतर ही नहीं रहा। देखो ना कितना रो रही है, एक बार अपने पास लेके देखो ना। शुरू में बच्चे को सिर्फ दवाई या नुस्खे से ठीक नहीं किया जाता, बल्कि माँ के प्यार से भी ठीक किया जाता है। अपनी माँ का एहसास पाके बच्चे को लग जाता है कि वो ठीक, और वही माँ का एहसास से तुम्हारी गोद में मिला है श्रद्धा। कल नामकरण गुड़िया की मासी के बिना नहीं होगा। वरुण जी, आप जाइए, आराम कर लीजिए, गुड़िया को मैं सुला दूंगी। ठीक है। हल्का लग रहा है मनाम? ये लो। लगता है पूरी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हें समझने में। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अभय? अरे, कीर्ति ने तुम्हें गुड़िया से दूर रहने के लिए कहा तो तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे थे, और अब देखो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसकी मासूमियत देखकर ना हर बुरी यादें भुला देती है। इसका मुस्कुराता चेहरा, कितना सुकून है उसमें। ऐसा लगता है ना कि सब कुछ अच्छा ही है। अब सो जाएं। आप देखिएगा आप है, कल इसका नामकरण कितने धूमधाम से करते हैं हम लोग।
बबलू, गुड़िया का पालना थोड़ा सा दूर रखना, हवन का धुआं वरना उसकी आंखों में जाएगा। कल रात हमारी बच्ची को सुला क्या दिया, ऐसा जता रही है कि हम माँ होके भी अपनी बच्ची को संभाल नहीं सकते। गुड़िया की मम्मी आज तो पहली बार वक्त पर तैयार होकर पूजा में भी बैठ गई, लेकिन पापा नजर नहीं आ रहे, कहाँ है उसके पापा? माता और पिता का पूजा में बैठना बहुत जरूरी है, विलंब मत कीजिए, पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। हम अभी फोन लगाकर पूछते हैं कहाँ पहुँचे। बस काम काम काम, ऐसी नौकरी का क्या फायदा कि हमारे लिए टाइम ही ना हो आपके पास। सही कह रही हो तुम, शायद इसीलिए आज मेरी नौकरी चली गई। आए दिन इस घर में कुछ ना कुछ होता रहता है, पहले अभय और श्रद्धा और अब वरुण भी बेरोजगार हो गया। बच्चे के नामकरण के शुभ अवसर पर ऐसी अशुभ खबर, मुझे तो पहले से ही पता था एक ऐसी औरत जिसकी अपनी खुद की गोद सूनी हो उसके अपशगुनी आशीर्वाद से इस घर में लक्ष्मी कैसे आएगी। हाँ सही कह रही हो बहन, वरुण की तो नौकरी गई, अब इसके कारण बेचारा घर बैठेगा। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, वरुण की नौकरी जाने से श्रद्धा का कोई लेना देना नहीं। जो हुआ अच्छा ही हुआ। वरुण जी के घर में लक्ष्मी बरसेगी, इस लक्ष्मी जी के शुभ कदमों से। तरक्की हो गई है आपकी वरुण जी, आप हमारे कंपनी के सेल्स हेड बनेंगे। तुम सही कह रही हो भाई, अगर तुम चाहो तो श्रद्धा सारी को बहुत खुशी होगी तुम्हारे साथ काम करके। बधाई हो वरुण जी आपकी नई नौकरी के लिए। इसकी मैं अलग से पार्टी लूंगा। ठीक है।
बिल्कुल। श्रद्धा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पूछ तो लेना चाहिए था तुम्हें। इसमें आपसे क्या पूछना है, और पूछने वाला है ही क्या इसमें? अरे हमें लगता है कि दो भाई को एक साथ व्यापार नहीं करना चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है कि हम गलत हैं तो अपने पापा से पूछ लो। अबे ठीक कह रहे, क्यों भाई साहब? हाँ तुम, हम दोनों को तुमने कभी झगड़ते सुना? और क्या, और अगर श्रद्धा ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। मम्मी, अगर मैं श्रद्धा के साथ काम कर सकता हूँ तो भाई के साथ क्यों नहीं? श्रद्धा बेटा, हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करें जो आप वरुण पे इतना भरोसा कर रही हैं? अरे क्या भाभी, आप भी इनका साथ दे रही हैं। अरे आप तो समझिए कि अगर दो भाइयों के बीच पैसा आएगा तो परिवार बट भी सकता है। और वरुण जी ने तो इतना काम किया है, ऐसे छोटी सी कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है इन्हें। अरे इनके लिए तो नौकरी की लाइन लग सकती है। तो हमारा तो ये मानना है, अगर तीनों समझदारी से आपस में मिलजुल कर खुद का काम करें तो फिर बाहर किसी और की नौकरी से तो बेहतर ही है। आगे इनकी मर्जी। और वैसे भी व्यापार और परिवार सुनने में एक जैसा लगता है, तो एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते? चलो इसी खुशखबरी पर नामकरण की पूजा शुरू करते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है, और वरुण बेटा तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ और तैयार होकर जल्दी से वापस आ जाओ। जी बुआ जी। भगवान गणपति के पास अर्पण कर दें। वरुण जी, कोई जरूरत नहीं है दीदू और उस अभय के नीचे काम करने की। पहले हमारी जिंदगी में दखल दी, फिर हमारे बच्चे की परवरिश में, और अब आपके काम में। हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? कीर्ति, कहां पर क्या बात करनी चाहिए ये तुम्हें कब समझ में आएगा? अभी शांति से पूछा करो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? सिर्फ नौकरी क्यों, पूरी कंपनी कर देती तुम वरुण के नाम पे? अरे इतने बड़े धोखे के बाद तुम्हें क्या जल्दी थी उसे नौकरी पे लगाने की? बताओ मम्मी जी, वरुण जी ने जो कुछ भी किया उसके लिए उन्होंने पूरे परिवार के सामने माफी मांगी है। वो अपने परिवार के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, खास तौर पर अपने भाई के साथ। और आप देखिएगा, उनके सेल्स डिपार्टमेंट का अनुभव हमारे कंपनी को बहुत आगे बढ़ाएगा। श्रद्धा, धोखेबाज कभी नहीं बदलते, समझी तुम? तनुजा भाभी, आप ना कभी कभी कीर्ति की तरह बन जाती है। आसपास लोग बैठे कब क्या बोलना है किसी बात का ख्याल नहीं होता आपको। प्रसाद तो है ही नहीं, हम प्रसाद लेकर आते। अभी दुनिया का कोई भी प्रसाद आपको फल नहीं देगा अगर आप ऐसे सबके सामने श्रद्धा को सुनाती फिरेगी। भाभी पूरी आप साबित होंगी। हाँ
बुरे तो हम ही है ना, और उस श्रद्धा का क्या जो भाग भाग कर अपने परिवार को छोड़कर बाहर समाज सेवा करने में लगी है। अरे देवी बनने की उसे इतनी आदत पड़ गई है कि बहू बनना और परिवार से सलाह लेना वो भूल गई। हाँ तो ठीक है ना, व्यापार उसी का है तो वो चाहे तो अपनी मर्जी चला सकती। व्यापार हमारे बेटे का है, बस नाम उसका है। अरे हमारा बेटा घिस घिस कर मेहनत करे और महारानी जी बैठ कर बस आदेश दे। अरे ये नहीं कि अपने और अभय के बच्चे के बारे में सोचे। लो बताओ, हम तो आपको एक जरूरी बात बताना भूल ही गए। क्या? अरे ये जो पंडित जी आए हुए हैं ना, सुना है बहुत ही ज्ञानी है। अच्छा? हाँ। तो आप एक काम कर सकती है। क्या बताइए ना। ओफो, आपको ना सब कुछ बताना पड़ता है। आप श्रद्धा का हाथ उन्हें दिखा सकती है। अरे यार तू बिल्कुल सही कह रही है, हमें जैसे मौका मिलता है ना हम उनसे बात करेंगे। उससे हमें हमारी श्रद्धा के बारे में कुछ पता भी चल जाएगा, और हो सकता है हमें ये भी पता चल जाए कि हमारी श्रद्धा की गोद पर आई कब संपन्न हो पाएगी। बिल्कुल सही कह रही है तू, हे भगवान। बस ये अब आप लोग बच्चे का नामकरण संस्कार शुरू कर सकते हैं। मैंने इतने सारे और इतने अच्छे नाम लिखे हैं ना कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा नाम लूं। श्रद्धा बेटा ये लो, सब में बांट दो प्रसाद। जी। आरती तुम बुआ जरूर हो लेकिन हम बुआ दादी हैं। इस गुड़िया रानी का नाम तो हम ही रखेंगे। अरे नहीं, हम उसकी माँ है, हमारा हक है। अरे बेटा ऐसे में तो हक दादी का भी होता है ना? पर नैना जी हमारे यहाँ तो नानी नाम रखती हैं, तो हम नाम रखेंगे। हम बुआ दादी नाम तो हम ही रखेंगे, बता रहे हैं हम। अरे तो ऐसे थोड़ी ना होता है, नाना है दादा है। हाँ भाई हम लोग भी तो हैं ना, ऐसे थोड़ी करो। हमारी सलाह भी लो, हम भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम जगत जननी बुआ है, नाम तो हम ही रखेंगे। अरे तो जब नानी है नाना है। अरे बस 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 बस, शांत हो जाइए सब, शांत हो जाइए सब, शांत हो जाइए। मुझे लगता है कि जिसकी वजह से हम आज अपनी बेटी का जश्न मना पा रहे, नाम भी उसे ही रखना चाहिए। तो श्रद्धा बताओ हमारी बेटी का नाम क्या होगा? वरुण जी आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है क्या कि हम गुड़िया की माँ है, दीदू नहीं, हमारा हक बनता है। सब ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हम गुड़िया की माँ ही नहीं है। कीर्ति तू ही है गुड़िया की माँ, और ये नामकरण का हक सिर्फ तुझे ही है। कीर्ति माँ है इसका मतलब ये नहीं है कि गुड़िया हम सबकी नहीं, गुड़िया के और रिश्ते भी हैं, और सबसे अहम रिश्ता निभाया है श्रद्धा तुमने गुड़िया की सुरक्षा का, और उसका नाम तुम ही रखोगी श्रद्धा। सक्षम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोलो श्रद्धा। तो बोलो श्रद्धा गुड़िया का नाम क्या होगा? कियारा। बहुत सुंदर नाम है श्रद्धा बेटा। वाह वाह, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। क्या नाम रखा है, ये तो ना बिल्कुल हीरोइन वाला है, बिल्कुल हमारी तरह। Thank you.
अब मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करूंगा। बच्ची के माता पिता सबसे पहले उसके दाहिने कान में उसका नाम बताएंगे और उसे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जी। मुनि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पंडित जी, बस आपका 5 मिनट चाहिए था हमें। और श्रद्धा, तुम भी साथ आना ना। करने दीना अपने दीदू को मनमानी। बाहर जो हमारे साथ हुआ है ना वरुण जी, उसकी वजह आप है। जानबूझ के करने दिया आपने। अरे, अब क्या कर दिया उसने ऐसा? दीदू ने जो बाहर हमारी गुड़िया का नाम लिया ना कियारा, वो नाम हमने सोचा था। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कीर्ति। मुझे आपको समझ नहीं आ रहा क्या दीदू क्या कर रही है। अरे जो नाम हमने सोचा था वो उन्होंने बोल दिया और सारी वाहवाही लूट ली। वाहवाही लूट ली। कीर्ति, तुम भी ना कमाल करती हो। एक तो श्रद्धा ने तुम्हारा मान रखते हुए हमारी बेटी का नाम रखा है और उसमें भी तुम्हें कमियां निकालनी। आपको तो दीदू की गलती कभी दिखती नहीं। अरे पहले भी कहां दिखती थी आपको दीदू में कमी, और अब कैसे दिखेगी। अब तो उन्होंने आपको नौकरी दे दिया है। अरे जीवन भर ना उनके गुलाम बनकर रहिएगा। सारी गलती हमारी होती है और दीदू जो मां नहीं बन सकती, उनकी कोई गलती नहीं है। कीर्ति, पंडित जी, आप हमारी बहू श्रद्धा का हाथ देके बताइए ना, इसकी गोद कभी भरेगी या नहीं। जी ठीक है। जी आप कोई भी उपाय कर लीजिए, श्रद्धा की किस्मत की लकीरों में कोई संतान का योग बनता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ अभी की दूसरी शादी करवा दीजिए। हमारी लखनऊ वाली चचेरी बहन की बहू भी माँ नहीं बन सकती थी, अब उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी और देखो उनके घर आंगन में दो दो नटखट फूल खिले हैं। अब अभय की दूसरी शादी हो कर ही रहेगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।